तो आज हम लोग क्लास 11 पाठ समुच्चय की प्रश्नावली 1.5 का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इसके अंतर्गत है किसी समुच्चय का पूरक ज्ञात करना। तो लिखते हैं यहां किसी समुच्चय का पूरक, का पूरक, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ऑफ अ सेट। तो इसके अंदर पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, फिर एक उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट किया जाएगा। तो इसमें लिखते हैं, माना समुच्चय ए किसी समष्टीय समुच्चय यू का एक, है ना, किसी समष्टि समुच्चय यू का एक उप समुच्चय है, उप समुच्चय है, तब यू के सापेक्ष समुच्चय ए का पूरक, ए का पूरक उन अवयवों का या यू के, है ना, यू के उन अवयवों का समुच्चय है जो ए के अवयव न हो, ठीक ना, और इसे ए डैश से, है ना, ए डैश या कह सकते हैं इसको ए सी, है ना, ए के पावर सी में से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक ना। देखिए जैसे इसमें क्या हुआ, तो जैसे एक ले लिया समष्टि समुच्चय, एक लिया जिसके अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8, ठीक ना, और एक हमने ले लिया समुच्चय ए, तो ए हो गया 5, 4, 5, 6, 7, ठीक ना। तो अब देखिए अगर हम इसका पूरक ज्ञात करने की कोशिश करें, ए का पूरक, तो क्या होगा, देखिए इसमें लिखा है समुच्चय ए, ठीक ना, किसी समष्टि समुच्चय यू का एक उपसमुच्चय है। तो देखिए हम यहाँ चेक कर लेते हैं, देखिए समष्टि समुच्चय, ठीक ना, इसके अब देखिए जो ए समुच्चय है इसके सभी अवयव इस समुच्चय के में उपस्थित हैं, ठीक ना, 4, 5, 6, 7 इसके उपस्थित हैं। इस प्रकार समुच्चय ए समुच्चय यू का उपसमुच्चय है, ठीक ना, तब यू के सापेक्ष समुच्चय ए का पूरक, है ना, ए का पूरक क्या ज्ञात करेंगे, ए का पूरक यू के उन अवयवों का समुच्चय है, है ना, ये वो अवयव बचेंगे जो ए के अवयव न हो, ठीक ना। तो देखिए ए के अवयव कौन कौन से हैं, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, तो अब जो बच गया यहाँ पर, है ना, इसके इनको छोड़कर जो यू के अवयव बच गए उनको हम यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3 और 8। इस प्रकार इस समुच्चय का ये पूरक ज्ञात हुआ। अगर अब इसको हम वेन डायग्राम से दिखाएं, तो देखिए इसमें वेन डायग्राम क्या होता है, देखिए ये रहा समष्टि समुच्चय जिसको आयत के अंदर बिंदुओं के द्वारा दिखाते हैं, तो ये रहा वेन डायग्राम, इसमें यू और इसमें ये रहा ए, है ना, एक समुच्चय ए है, ठीक, इस वृत्त के अंदर सब ये ए समुच्चय को दिखाता है, ठीक ना। अब देखिए ए डैश का मतलब क्या हुआ,
कि ए को छोड़कर, ठीक ना, ए को छोड़कर जो भी बचा वो रह गया, तो इस प्रकार ये छायांकित भाग ये हो जाएगा, तो ये सब ए डैश हो जाएगा, तो इस प्रकार ये वेन डायग्राम में हमने दिखाया इसको, तो ये वेन डायग्राम में ये ए डैश हो गया, ठीक ना, तो ये ए डैश। और इसको समुच्च निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, तो लिखिए ए डैश इक्वल टू, देखिए यक्स इस प्रकार है कि यक्स अवयव है यू का, है ना, और अवयव नहीं है ए का, ठीक ना, यहाँ और भी ला सकते हैं, तो इस प्रकार इसका समुच्च निर्माण रूप में हमने इसको लिख लिया। अब देखिए इसके कुछ गुणधर्म हैं, उनको देखते हैं। गुणधर्म प्रॉपर्टी, है ना, या कुछ प्रमेय हैं, ये सब भी देख लेते हैं यहीं पर। देखिए गुणधर्म बोलिए, प्रमेय बोलिए, इसके अंतर्गत पहला है, यदि किसी भी समुच्चय का पूरक हो और इसका हम फिर पूरक ज्ञात करें तो ये हमको वापस से समुच्चय प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार एक दूसरा है, अगर ए को, है ना, ये सम्मिलन अगर ए डैश करें हम, है ना, ए का ए डैश के संग सम्मिलन करें तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, तो देखिए इसमें हो जाएगा यू प्राप्त हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर पे है, अगर ए का सर्वनिष्ठ करें ए डैश के साथ तो इसका क्या प्राप्त हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, देखिए ए का अलग अवयव होगा और ए डैश का अलग अवयव होगा, इसलिए इन दोनों में कोई भी सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ अवयव प्राप्त नहीं होगा, तो ये हमको यहाँ पर फाइव प्राप्त हो जाएगा। और इसमें है, देखिए यू डैश का मतलब होता है फाइव, है ना, यू का मतलब सभी समिष्टि समूह सभी अवयव, डैश का मतलब जो उसमें न हो, मतलब ये फाइव हो गया। और फिर यदि फाइव डैश का करें तो फाइव डैश का मतलब हमको पूरा समिष्टि समुच्च प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद एक है डी मॉर्गन का नियम, डी मॉर्गन के नियम, तो ये हो गया डी मॉर्गन का नियम, ठीक ना, इसको डी मॉर्गन रूल बोलते हैं। इसमें दो नियम हैं, पहला है ए सम्मिलन बी का पूरक, ये होता है ए के पूरक, और ये देखिए यहाँ सम्मिलन है तो यहाँ पर सर्वनिष्ठ हो जाएगा, और ये बी का सम का डैश। इसी प्रकार यदि यहाँ ए सर्वनिष्ठ बी हो और इसका पूरक हो, ज्ञात करना हो, तो ये ए के पूरक और ये सम्मिलन बी के पूरक के बराबर होता है। तो इस प्रकार प्रश्नावली 1.5 का ये परिचय था, इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब इसके आगे हम लोग प्रश्नावली 1.5 करेंगे।